नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और आप संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के इस चैनल पर महाभारत की कथाएं सुन रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि कश्यप ऋषि जो मरीचि पुत्र हैं उनकी 13 पत्नियां, दक्ष प्रजापति की 13 पुत्रियों के साथ उन्होंने विवाह किया। देखिए, दक्ष प्रजापति की 13 पुत्रियां भी एक ही पिता की संतान हैं और दूसरी तरफ कश्यप ऋषि भी एक ही हैं, और इनकी संतानें अलग अलग किस प्रकार से हो गई, ये बहुत विचारणीय विषय है। और मैंने गत वीडियो में ये कहा था कि इस संदर्भ में अधिकांश जवाबदारी माता के पक्ष में आती है। यहाँ हम देखेंगे कश्यप ऋषि की जो सबसे बड़ी पत्नी है अदिति, उनका नाम है, उनसे 12 आदित्यों का जन्म हुआ। आदित्य जो देवताओं, जो मैंने 33 कोटि देवता कहे, उनमें 12 आदित्यों का नाम आता है। इन 12 आदित्यों के नाम हैं धाता, मित्र, अर्यमा, शक्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु। इसमें हम शक्र यानी इंद्र, वरुण, विष्णु, विवस्वान, इन कुछ नामों से बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। अन्य देवता भी अपने अपने कार्यों में हमेशा संलग्न रहते हैं। तो ये हुए द्वादश आदित्य जो अदिति के पुत्र हैं। अब देखिए, वही कश्यप ऋषि की दूसरी पत्नी है दिति, जिनसे दैत्यों का जन्म हुआ। और यहाँ हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद। देखिए, हिरण्यकश्यपु जब तपस्या करने जाते हैं तो उनकी पत्नी को इंद्र ऋषि आश्रम में छोड़ देता है और वहाँ ऋषि आश्रम से उसको जो संस्कार मिलते हैं, इसकी वजह से दैत्य कुल में जन्म लेने के बाद भी प्रहलाद बहुत बड़े भक्त के नाम से भक्त के रूप में जाने जाते हैं। इन्हीं प्रहलाद के यहाँ विरोचन, बलि वगैरह आगे की परंपरा चली। तो दिति के पुत्र दैत्य हो गए, जिसमें हिरण्यकश्यपु जैसा, जिसके लिए स्वयं नरसिंह का अवतार लेना पड़ा भगवान को। इसके बाद दनु के दानव हुए। दनु माता के नाम से ही उनको दानव कहा गया। और ये दानवों में हम शंबरासुर, नमुची, पुलोमा, केसी, इन सब दानवों के नामों से परिचित हैं। 34 संतानों का उल्लेख मिलता है जो दानव हैं। इनकी अन्य पत्नी है काला, और काला से विनाशन, क्रोध, क्रोधहंता, कालिकेय, इस प्रकार की संतानें हुई। जो दनायु है उससे असुरों की उत्पत्ति हुई। असुरों में वृत्रासुर है, विक्षर है, बल है, वीर है। इनमें वृत्र और बल की बहुत सारी कथाएं हम ऋग्वेद में, इंद्र सूक्त में, जो विविध इंद्र सूक्त हैं, 250 जितने इंद्र सूक्त पाए जाते हैं, ऐसा मैंने ऋग्वेद के परिचय में आपको बताया था। तो वहाँ इंद्र के पराक्रमों में सबसे बड़ा पराक्रम यही माना जाता है कि उन्होंने वृत्रासुर को मारा, उन्होंने बल को बांधा, इसके अलावा उन्होंने शंबरासुर को मारा, जो दनु के पुत्रों में दानव था, शंबर नाम का दानव था। तो दनायु के असुर हुए। सिंघिका के यहाँ राहु का जन्म हुआ। राहु से आप अच्छी तरह से परिचित हैं, जिसका मस्तक काट देने से उसके दो स्वरूप हो गए, राहु और केतु। दोनों जन्म कुंडली में सामने सामने बैठे होते हैं और इस प्रकार से जिस समय इन दोनों के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं तो जन्म कुंडली में काल सर्प दोष आ जाता है। इस प्रकार ये बड़ा ही प्रतापी सिंहिका पुत्र हुआ। क्रोधा के क्रूराकी, क्रोधवश और क्रूरकर्मा जैसी संतानें हुई। प्राधा नाम की जो इनकी पत्नी है, उन्होंने कन्याओं को जन्म दिया और सुपर्ण विश्वावसु नाम के जो गंधर्व हैं वो भी उनकी संतान हैं। और जितनी मुख्य अप्सराएं हैं उन मुख्य अप्सराओं की माता भी प्राधा को ही माना जाता है। कपिला से अमृत, गौ, गंधर्व और अप्सराओं का जन्म हुआ।
मुनि ने 16 संतानों को जन्म दिया, जिसमें नारद वगैरह सारे ही ऋषि मुनि हैं। देखिए, माता का नाम भी मुनि है और उनकी संतानें भी आत्म खोज में लगे हुए सारे ऋषि मुनि के नाम से विख्यात हुए। जो हमने विनीता की कथा विस्तार से देखी है, अरुण गरुण वगैरह, विनीता की जो मानसिकता है उस हिसाब से उन बच्चों का जन्म होता है, और कद्रु से सर्पों का जन्म होता है, विश्वा से जो संतानें होती हैं वो विश्व पालक संतानें हुई। हम यहाँ आपसे सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि पिता एक ही हो, किंतु बालक को जन्म देने वाली माता का स्वभाव जैसा होगा, उसकी सोच और विचार जैसी होगी, उस प्रकार की वो संतति हो जाएगी। और यही यहाँ हुआ है कश्यप ऋषि की। 13 पत्नियों की संतानों में से कुछ पत्नियों की संतानें वो देवकुल में चली गईं, और कुछ पत्नियों की संतानें वो असुर राक्षस और दानव कुल में चली गईं। इस प्रकार से ये एक, जिसको हम कहते हैं कि आतताई पक्ष हो गया, और एक पक्ष जो है उसको हम मानते हैं कि वो दैवी पक्ष हो गया। और हमेशा ही एक सत्य और एक असत्य, ये तो कहना वैसे गलत होगा कि एक सत्य का पक्ष है एक असत्य का पक्ष है, पर एक धर्म का पक्ष है अथवा एक सज्जन पक्ष है और एक दुर्जन पक्ष है, एक अधर्म का पक्ष है, इस प्रकार दो पक्ष हो गए। और हमेशा ही उनके बीच में युद्ध और कलह चलता रहता है। तो माताओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए जब वो गर्भावस्था में हों, कि उनको उत्तम संतति की प्राप्ति तभी होगी जब वो उत्तम धर्मों का और नियमों का पालन करेंगी। धन्यवाद। अगले वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको सूचनाएँ मिलती रहें।